हेलो गाइस, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है? गॉफ निकालना है गिवन इन्फॉर्मेशन से। तो एफ की अपनी डोमेन कोडोमेन दे रखी है, जी की डोमेन कोडोमेन दे रखी है, और आपको एफ कैसे डिफाइन किया गया ये दे रखा है, ठीक है। और आपको गॉफ निकालना है, ठीक है। तो जो जब भी आप फंक्शंस कोई निकालते हो तो उसका जब भी आप कोई फंक्शन निकालते हो तो उसकी आपको डोमेन पता होनी चाहिए और कोडोमेन पता होनी चाहिए। तो जो गॉफ होता है इसमें आपका इनर फंक्शन एफ बोला जाता है, आउटर फंक्शन जी हो गया। तो जो इनर फंक्शन है ये आपको डोमेन देता है ना। तो एफ की जो डोमेन होगी वही आपकी गॉफ की डोमेन हो जाएगी या कंपोजिशन की डोमेन हो जाएगी। तो एफ की डोमेन क्या है आपका? 1 है, 3 है और 4 पे डिफाइंड है। कोडोमेन, कोडोमेन किससे आएगा? जो जी की कोडोमेन होगी, आउटर फंक्शन की जो कोडोमेन होगी वो आपका कोडोमेन हो जाएगी कंपोजिशन का। तो ये आपका 1 और 3 हो गया। तो हमें तो पता चल गया कि डोमेन क्या है और कोडोमेन क्या है हमारे फंक्शन की, जो हमें कंपोजिशन फाइंड आउट करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि 1 किससे मैप करेगा, 3 किससे मैप करेगा, 4, चूंकि 1, 3, 4 डोमेन के पार्ट हैं, तो डोमेन के पार्ट हैं और ये फंक्शन है, तो अपने हर वैल्यू पे कोई ना कोई एक यूनिक इमेज रखा होगा। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है जी ऑफ गॉफ ऑफ 1 पता करना है, गॉफ ऑफ 1 पता करना है ये कितना होगा। फिर हमें क्या पता करना है? 1 पे मैप किसको करेगा, फिर आप 3 पे किसको ये मैप करेगा कोडोमेन में, फिर जो आपका कंपोजिशन गॉफ है वो 4 पे किसको मैप करेगा। तो ये हमें निकालना है, ठीक है। तो अगर हम इसका फंक्शन का कंपोजिशन का अगर हम एरो डायग्राम देखें, तो एरो डायग्राम अगर हम इसका बनाएं जो हमें डेफिनेशन दे रखा है कि F1 2 को मैप करता है, 3 5 को मैप करता है, 4 1 को मैप करता है, जबकि G जो है 1 3 को मैप करता है, 2 3 को मैप करता है और 5 1 को मैप करता है। तो अगर हम एरो डायग्राम बनाएं और देखें यहाँ से या फिर यहीं से देखें तो बात बराबर है कि आप कैसे आराम से इसको निकाल सकते हो। जैसे आप देखो, गॉफ ऑफ 1 का मतलब जी ऑफ एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 का मतलब क्या हुआ है कि F1 पे किसको मैप करता है, मतलब 1 पे 2 को मैप करता है। इसका मतलब F1 आप किससे रिप्लेस कर दोगे? 2 से रिप्लेस कर दोगे। अब आपको 2 की इमेज अंडर जी देखनी है ना। तो 2 अंडर जी किसको मैप करता है? 3 को मैप करता है, चाहे एरो डायग्राम से देख लीजिए चाहे आप डेफिनेशन से देख लीजिए, है ना। 3 हो गया। इसी तरह से आप ये निकालोगे गॉफ ऑफ 3। तो गॉफ ऑफ 3 का मतलब हुआ कि जी ऑफ एफ ऑफ 3। तो 3 पे इमेज अंडर एफ हमें निकालनी है, तो वो 5 को मैप करता है। इसका मतलब कि एफ ऑफ 3 5 से रिप्लेस कर दिया जाएगा। और जी ऑफ 5 फिर कैलकुलेट करना है, मतलब 5 की इमेज अंडर जी देखनी है, तो वो 1 है। डेफिनेशन से देख लीजिए या फिर आप एरो डायग्राम से देख लीजिए। नेक्स्ट आपका क्या है? गॉफ ऑफ 4। तो गॉफ ऑफ 4 आपका जी ऑफ एफ ऑफ 4, जी ऑफ एफ ऑफ 4। तो 4 की इमेज अंडर एफ, अंडर एफ 4 की इमेज 1 है, मतलब एफ ऑफ 4 1 से रिप्लेस हो जाएगा। अब 1 की इमेज अंडर जी दिखानी है, 1 की इमेज अंडर जी तो वो 3 है, 3 है। तो अगर हम लोग देखें इसका, अगर हम एरो डायग्राम बनाएं अपने कंपोजिशन का, तो एरो डायग्राम हमारा होगा गॉफ ऑफ 1 3 को मैप कर रहा है, 3 1 को मैप कर रहा है, 4 3 को मैप कर रहा है, ठीक है। खैर हमें एरो डायग्राम बनाना तो है नहीं यहाँ पे, हम बस आपके विजुलाइजेशन के लिए बना दिए हैं, ठीक है। तो आंसर क्या है आपका? आंसर क्या आप मार्क करोगे? तो जो गॉफ है, गॉफ ऑफ, गॉफ जो है आप ऑर्डर पेयर लिखोगे कि 1 किसको मैप कर रहा है, 1 3 को मैप कर रहा है, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर पेयर। 1 की इमेज अंडर गॉफ 3 है, इसका ये भी मतलब हुआ 3 किसको मैप कर रहा है, 3 1 को मैप कर रहा है, या यूं कह लीजिए कि 3 की इमेज अंडर गॉफ 1 है। इसी तरह से लास्ट पेयर आपका 4 की इमेज अंडर गॉफ क्या हो जाएगी, वो 3 हो जाएगी। दीज आर द 3 ऑर्डर पेयर प्रेजेंट इन द गॉफ, दैट इज योर आंसर। तो ये आप आंसर मार्क करोगे। अब आंसर में क्या लिखना है? आंसर में आपका जो, अगर हम यहाँ पे रेड लाइन एक ड्रॉ कर दें, अगर हम रेड लाइन ड्रॉ कर दें
तो आपको रेड लाइन के लेफ्ट की पार्ट लिखनी है और राइट की पार्ट नहीं लिखनी है. दैट इज योर फाइनल आंसर.